हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज अभी रात का टाइम है और अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है और काफ़ी लेट एक्चुअली हो गया है, तो मुझे कुछ फटाफट बनाना है। तो आज मैं गाइज आपके साथ एक चाइनीज़ डिश शेयर करूंगी और बहुत जल्दी ये बन जाता है, सिर्फ 15 मिनट में आपका डिनर रेडी। अपने हिसाब से उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, आप भी देखिए और इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। तो गाइस ये है बोनलेस चिकन करीब 600 ग्राम्स। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और चाहिए कुछ थोड़ा 1 चम्मच के करीब गार्लिक, प्याज चाहिए कुछ इस तरह से कटे हुए और खूब सारा धनिया का पत्ता। चिली फ्लेक्स, विनेगर चाहिए वाइट विनेगर और ये है गाइस ऑयस्टर सॉस। इसी ऑयस्टर सॉस को मैंने कटोरी में निकाल के रखा है और ये है सोया सॉस। तो इतनी चीज़ें चाहिए आपको इसको बनाने के लिए। तो अभी एक बोल में 4 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और उसमें थोड़ा पानी मिला के उसका कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको साइड में फिर रख देंगे। अब इसके बाद चिकन को मैरिनेट करना है, तो चिकन में मैंने डाला है सोया सॉस 3 चम्मच के करीब और थोड़ा सा नमक। और जो कॉर्नफ्लावर सॉल्यूशन बनाया था उसका आधा कॉर्नफ्लावर डालेंगे इसमें और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड में रख देना है और फिर इसका सॉस रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक बोल में सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस 3 से 4 चम्मच और उसके बाद एक विनेगर डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। फिर डालेंगे गाइस इसमें ऑयस्टर सॉस 3 चम्मच के करीब, ये मैंने पहले ही कटोरी में निकाल के रखा था, आपने देखा होगा। और उसके बाद जाएगा इसमें चीनी 1 बड़ा चम्मच और अब जाएगी इसमें चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स भी अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना तीखा खाना है, इसका टेस्ट एक्चुअल में थोड़ा मीठा ही रहता है, मीठा और हल्का सा तीखापन रहता है, तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप सब सॉस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हल्का सा नमक जाएगा क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, तो ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो नमक तेज़ हो सकता है। तो और इसके बाद इसको सब मिला लेना है सब कुछ और फिर बाद में कॉर्नफ्लावर डालेंगे। पैन गरम करना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और डायरेक्टली जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उसको डाल देंगे और इसको खोल कर ही पकाना है, इसको कवर नहीं करना है शुरू में। 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करना है और इसको बीच बीच में चलाते रहना है और थोड़ी देर तक इसको कुक करना है। देखिए थोड़ा सा टेक्स्चर जो है इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है, थोड़ी देर तक इसको चलाएंगे। और 2 से 3 मिनट हो गया है और मैंने इसको ढक दिया है, ढक के फिर से 2 से 3 मिनट और पकाना है इसको। सो 2 से 3 मिनट अब हो चुके हैं और चिकन ने अब काफ़ी पानी छोड़ दिया है, अब इसको खोल के ही पकाएंगे। थोड़ा सा पानी और सूख जाए उसके बाद इसमें बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स थे उसको ऐड करेंगे। इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, ये स्लाइस किए हुए गार्लिक इसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, स्लाइस कटे हुए प्याज। प्याज भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत एक स्मॉल प्याज या हाफ कटा हुआ प्याज उसके स्लाइस कर लीजिए और उतना ही डालना है, बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं डालना है। तो प्याज डालने के बाद इसमें डाल देंगे सॉस, जो मिक्सचर बना के कटोरी में रखा हुआ था उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और
और अब देखिए गाइस, चिकन में जो पानी था वो पूरी तरह से अब सूख चुका है, तो अब मैं ऊपर से पानी ऐड कर रही हूँ करीब आधा ग्लास के करीब, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। और अब ये ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया का पत्ता, तो थोड़ा सा गार्निश करने के लिए बचा लेंगे और बाकी सारा धनिया का पत्ता इसमें अब डाल देंगे। तो मैंने सब धनिया का पत्ता इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मुझे अभी भी थोड़ा सा इसमें पानी कम लग रहा है, तो मैं अभी थोड़ी देर में डालती हूँ, थोड़ा इसको मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और इसमें पानी ऐड करूँगी। तो चिकन अब कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। इसको अभी मैं चेक करके भी देख लेती हूँ कि ये पका है या नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने देखिए थोड़ा सा और पानी इसको ऐड कर दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा सूखा लग रहा था, तो मैंने और पानी इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। और यहाँ मैंने चिकन भी चेक कर लिया है, चिकन भी अच्छे से अब कुक हो गया है। और इसको अब थोड़ी देर ढक देंगे जिससे कि सारा जो इसमें फ्लेवर है वो कंबाइन हो जाए। तो करीब 2 से 3 मिनट तक इसको ढकेंगे। मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और थोड़ी देर ढक के ही छोड़ दिया है 2 मिनट तक। अब देखिए मेरा चिकन पूरी तरह से रेडी है और ये है उसका फाइनल टेक्सचर, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसको बोल में सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैंने बोल में इसको निकाल लिया है और ये देखने में बहुत यमी लग रहा है, खाने में भी आई होप उतना ही अच्छा लगेगा। और हम लोग इसको खाने वाले हैं गाइस राइस के साथ। इसको मैं अभी आपको राइस के साथ भी सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा राइस निकाला है और अब मैं साइड में चिकन को भी निकाल लूँगी। और जो बचा हुआ जो धनिया था उससे हम लोग इसको गार्निश कर लेंगे। और इसके ऊपर से गाइस थोड़ा सा इसमें और तीखापन लाने के लिए जो चिली फ्लेक्स थे उसको हल्का सा स्प्रिंकल कर लेंगे। और साइड में इसके आप थोड़े से नींबू के स्लाइसेस भी लगा सकते हैं।